गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हम डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव पढ़ रहे थे। आज डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव में हम कुछ हमारे नोट्स पॉइंट्स बच गए थे कि हम जो है कैसे यूजेस करें डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव को, वो सीखेंगे। तो देखो सबसे पहले है मैनी। मैनी डिग्री ऑफ एडजेक्टिव जो है वो मैनी, मैनी का यूज़ हम कहाँ पे करेंगे और मच का यूज़ कहाँ पे करेंगे। देखो मैनी, मैनी जो है किसके लिए आएगा, नंबर के लिए, जिसे हम काउंट कर सकते हैं। काउंटेबल नाउन्स के लिए आएगा मैनी, और अनकाउंटेबल नाउन के लिए आएगा मच। काउंटेबल नाउन के लिए मैनी, फॉर नंबर या फिर हम इसे लिख सकते हैं काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन्स के लिए, और अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए मच आएगा। क्या आएगा, मच। देखो मैनी बॉयज, बॉयज हम काउंट कर सकते हैं, वर प्रेजेंट इन द क्लास, इसीलिए मैनी आया। मच वाटर वॉज इन द ग्लास, वाटर को हम काउंट नहीं कर सकते इसीलिए मच आया। उसके बाद सेकंड आता है हमारा ओल्डर एंड एल्डर। ओल्डर किसके लिए लगाते हैं, हम एज के लिए, और एल्डर किसके लिए, रिलेशन के लिए यूज़ करेंगे। ही इज़ ओल्डर देन मी, मतलब क्या हुआ, वह उम्र में मुझसे बड़ा है। रोहन इज़ माई एल्डर ब्रदर, और रोहन मेरा बड़ा भाई है। दोनों ही बड़े के सेंस में आते हैं, लेकिन ओल्डर जो है एज के लिए, और एल्डर जो है वो रिलेशन के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद थर्ड रूल आता है हमारा कंपैरेटिव डिग्री विच हैव आई ओ आर। हमने पढ़ा था कल कि कई कंपैरेटिव डिग्रीज में तो ई आर लगता है, कई में आई ओ आर लगता है। तो जिनमें आई ओ आर लगता है उनके बाद में जो है उस पॉजिटिव कंपैरेटिव डिग्री के बाद में हमेशा क्या आएगा, टू आएगा देन की जगह पर। क्या आएगा, टू आएगा। देखो द पेन इज सुपीरियर टू डैड, सुपीरियर आई ओ आर, इसके बाद क्या आया, टू। He is junior to me, I O R टू। You are senior to me, I O R टू। The TV set is inferior, I O R टू। तो जिन कंपेरेटिव डिग्रीज के लास्ट में I O R आएगा उनके बाद में जो है टू आता है। उसके बाद कंपेरेटिव डिग्रीज जो हैं जिनके लास्ट में ई आर आता है उनके लास्ट में क्या आएगा, हमेशा देन आएगा। ई आर वाले के बाद में हमेशा तुरंत क्या होगा, देन आएगा। द एलिफेंट इज स्ट्रोंगर देन अ कैमल, एलिफेंट जो है कैमल से ज़्यादा स्ट्रोंगर है। देखो ई आर, उसके बाद देन। द वुड इज हार्डर, ई आर देन। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द सुपरलेटिव डिग्रीज। सुपरलेटिव